गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइज आज की वीडियो एक कंपैरेटिव कम रिवाइज रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं कंपैरिजन लेके आई हूं मिनिमलिस्ट के ये पुराने वाले रेटिनॉल 2% सीरम की उनके न्यू लॉन्च रेटिनॉल 2% सीरम के साथ, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन ये कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार इस पर्टिकुलर सीरम की रिव्यू वीडियो जरूर चेक कर लें, जिसमें मैंने आपको क्लियरली लाइव क्लिप्स के साथ समझाया था कि इस पर्टिकुलर सीरम में कौन कौन सी प्रॉब्लम है और वो कैसे आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ एक और वीडियो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगी जिसमें मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की लेयरिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। दोनों ही वीडियो का रिव्यू लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले वो दोनों वीडियो जरूर से चेकआउट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। दोनों ही ड्रॉपर टाइप के पैकेजिंग में आते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो दोनों का प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है, शेल्फ लाइफ एग्जैक्टली सेम है, एक साल शेल्फ लाइफ मिलती है और एक बार आप इन्हें यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो इनकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ रह जाएगी। तो ये हो गई सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सो गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम, रेटिनॉल क्योंकि फोटो सेंसिटिव होता है इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि रेटिनॉल के जो प्रोडक्ट हो वो तो या तो डार्क कलर की जार में आए, बॉटल में आए, नहीं तो ओबेक जार्स में आए। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरम के साथ ऐसा नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट बॉटल में आया था, लेकिन उनके न्यू प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। वो डार्क ब्राउन कलर की कांच की ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग में आपको मिलता है, तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। दूसरी जो इसके साथ जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसका फॉर्मुलेशन। इसका फॉर्मुलेशन में विटामिन सी था और ये रिकमेंडेड है कि रेटिनॉल और विटामिन सी को कभी एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये दोनों ही इंग्रेडिएंट यूज करने हैं, क्योंकि हमारी स्किन के लिए दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो या तो आप विटामिन सी को एएम में यूज कीजिए क्योंकि रेटिनॉल आपको हमेशा रात में यूज करना होता है, नहीं तो आप ऑल्टरनेट डेज में यूज कीजिए, यानी कि एक दिन रेटिनॉल, नेक्स्ट डे विटामिन सी, देन रेटिनॉल एंड सो ऑन। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरम के फॉर्मुलेशन में उन्होंने विटामिन सी की एक स्पेसिफिक फॉर्म यूज की थी। मैंने उन्हें मेल करके भी ये बात पूछी थी कि रेटिनॉल के साथ उन्होंने विटामिन सी क्यों यूज किया है, लेकिन उस टाइम उन्होंने कोई मुझे स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं इस ब्रांड को अप्रिशिएट करना चाहूंगी क्योंकि उनकी जो न्यू रेटिनॉल सीरम आया है उसकी फॉर्मुलेशन में वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके साथ साथ एक और सस्पिशियस इंग्रेडिएंट जो होता है वो है ऑयली स्किन वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए, वो है कैप्रिलिक ट्राइग्लिसराइड, जो कि कोकोनट ऑयल एंड ग्लिसरीन का एक मिक्सचर होता है। कोकोनट ऑयल आपको पता होगा हाईली कॉमेडोजेनिक होता है, इसीलिए ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए थोड़ा सा कभी कभी सस्पिशियस हो सकता है, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है। तो अच्छी बात ये है कि जो न्यू उनका प्रोडक्ट है, न्यू रेटिनॉल सीरम है, जिसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये दोनों ही सस्पिशियस इंग्रेडिएंट नहीं है। तो इसीलिए अब मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी कि मिनिमलिस्ट का जो न्यूली लॉन्च रेटिनॉल 2% सीरम आया है उसे आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। और ये बात मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ जिन्होंने मेरा इस पर्टिकुलर सीरम का पुराना रिव्यू देख के ये मन बना लिया था कि उन्हें रेटिनॉल 2% सीरम मिनिमलिस्ट का ट्राई नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल से कंपोजिशन के बारे में बताना चाहूंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या काम करता है और किस लिए डाला गया। इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे कंपैरिजन भी देखने के लिए मिलेगा कि उनके नए वाले और पुराने वाले सीरम की कंपोजिशन में। सो गाइज इसकी जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जूस, जो ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, थिकनर का काम करता है, हमारी स्किन को सूथिंग कामिंग इफेक्ट देता है, जो मिनिमलिस्ट के सीरम में बेस इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। देन इसमें डाइमिथाइल आइसोसॉर्बाइड है जो सॉल्वेंट का काम करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है और एक्टिव इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। प्रोपेंडियोल ह्यूमेक्टेंट का काम करता है। इथॉक्सीडाइग्लाइकॉल अगेन एक्टिव इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। देन इसमें एचपीआर है जो रेटिनॉल की एक स्पेसिफिक और एक्सीलेंट फॉर्म है जिसे एंजाइम कन्वर्जन से नहीं गुजरना पड़ता और ये डायरेक्टली आपकी स्किन के कॉन्टेक्ट में आते ही अपना काम शुरू कर देती है। देन इसमें टोकोफेरॉल है जो विटामिन ई की एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है। आर्किडिल अल्कोहल एंड बिनाइल अल्कोहल नॉन ड्राइंग फैटी अल्कोहल्स हैं। फिनॉक्सी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव है। पोलेलन पीएच रेगुलेटर है। इथाइल हेक्साइग्लिसरीन प्रिजर्वेटिव है।
हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है और स्टेबलाइजर का काम करता है। एक्सेंथम गम स्टेबलाइजर एंड थिकनर का काम करता है। ट्राइसोडियम एथिलीन डाई एमीन डाई सक्सीनेट मेटल आयंस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। एंड लेसेथिन इम्यूलिएंट का काम करता है और इसके साथ पेंटिलेशन एनहेंसर है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो नया वाला इनका रेटिनॉल 2% सीरम है उसकी फॉर्मुलेशन एकदम प्रिसाइज है, एकदम स्पेसिफिक है। उसमें कोई भी ऐसा सस्पिशियस इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगी जिसे आप हैक भी समझ सकते हैं। अगर आपने मिनिमलिस्ट का कोई भी सीरम अभी तक ट्राई किया है, चाहे वो नायासिनेमाइड हो या फिर उनका ये सैलिसिलिक एसिड सीरम हो, तो आपको इनका रेटिनॉल 2% सीरम भी आराम से सूट कर जाएगा, क्योंकि इनका जो बेस फॉर्मूला है सीरम्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सेप्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इसीलिए अगर आपको इनका कोई भी सीरम सूट किया है, आप चाहे तो कंपोजिशन में कंपेयर करके देख सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको रेटिनॉल 2% उनका न्यू लॉन्च सीरम भी आपके लिए आराम से काम करेगा। और मैं चाहूंगी कि अगर आप 25+ हैं तो आपको रेटिनॉल सीरम अपने रूटीन में डाल लेना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको रेटिनॉल सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 बार यूज करना चाहिए, उसके बाद 3 बार, और ऐसे करते करते अपनी स्किन का टॉलरेंस आपको बिल्ड करना है और उसके बाद आप रेटिनॉल आराम से डेली यूज कर सकते हैं। मैं पिछले 6-7 महीने से रेटिनॉल डेली यूज कर रही हूँ और मैंने काफी पॉजिटिव इफेक्ट मेरी स्किन में देखे हैं, क्योंकि रेटिनॉल एक मल्टीटास्कर है। अगर आपको रेटिनॉल के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैं अपनी कई सारी वीडियो में रेटिनॉल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी हूँ। इसके साथ साथ जितने भी मिथ और मिसकंसेप्शन रेटिनॉल के बारे में होते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू सेंसिटिव स्किन और आई एरिया के आसपास लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किसे लगाना चाहिए, कि क्या ये आपके स्किन को थिन कर देता है, जी नहीं गाइज, एक्चुअली में ये कोलेजन के प्रोडक्शन और इलास्टिसिटी को आपकी स्किन में बढ़ाता है, इसी वजह से ये आपकी स्किन को थिक करता है ना कि थिन। तो गाइज मैं आपको यही कहूंगी कि आप एक बार रेटिनॉल सीरम अपने स्किन केयर रूटीन में डाल के देखिए, 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको देखने में, विजिबली इसका इफेक्ट देखने में 2-3 महीने आपको आराम से लग जाते हैं। आई मस्ट से आपको भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट आपकी स्किन में देखने के लिए मिलेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय।